अच्छा अच्छा अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का मेरा टॉपिक है बेटा, आज 12वीं जमात क्लास सेकंड ईयर के आज हम जो है बेटा इम्पोर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर में तीन आपके उर्दू के पेपर्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हिस्सा अलीफ तस्वीर इंतखाबी सवालात, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हिस्सा बे, ठीक है जी, और इसका बे हमारे पास मुख्तसर सवालात में आता है, ठीक है जी, और इसका बे के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अशार की तशरी और साथ में इक्तबास की तशरी। सबसे पहले बेटा कसीर इंतखाबी सवालात या एमसीक्यूज जिसको कहा जाता है, जिसको एमसीक्यूज जो है वो कहा जाता है कसीर इंतखाबी सवालात को, ये आपके पास बेटा आपकी ही बुक में से और एमसीक्यूज में से, एमसीक्यूज के कुछ पार्ट्स होते हैं या आपकी बुक के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको एमसीक्यूज में जो है वो रखा जाता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहली चीज सर वो कौन से पार्ट्स हैं। तो पहली चीज बेटा जो भी आपके पास आपकी बुक में जो सबक होंगे उनके नाम भी आपके एमसीक्यूज में शामिल हो सकते हैं,
फिर कोई चैप्टर होगा, जो कोई भी चैप्टर हो उसकी एक लाइन आपके सामने लिख दी जाएगी और कहा जाएगा बताएं ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, कुछ जो है आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मुसन्निफ को जो भी खिताबात या लकब से नवाजा गया है वो लकब या वो जो खिताबात हैं वो एमसीक्यूज में आपके पास आ सकते हैं। शायद जो भी खिताबात या अलकाबात से उनको जो नवाजा गया है वो आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और उसके बाद और उसके अलावा गजल या इसनाफ़े अदब ये दोनों में से भी जो आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। कसीर इंतखाबी सवाल की दोबारा मैं आपको बताने लगा हूँ, आपके कसीर इंतखाबी सवाल आपके चैप्टर से भी बन सकते हैं, गजल से भी बन सकते हैं, नजम से भी बन सकते हैं, इसनाफ अदब भी हो सकता है आपका, ग्रामर भी हो सकता है, और शायर या नसर निगार और गजलियात के जो शायर हैं उनके भी जो अल्फाज उनको जो खिताबात दिए गए उसके भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे कि मीर तक़ी को जो है वो शहनशाह गजल कहा जाता है, मीर तक़ी मीर को शहनशाह गजल कहा जाता है, मीर तक़ी को तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है। और देखिए जी इस तरह के आपके जो है वो एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। अच्छा इसके बाद हमारे पास हिस्सा बे का पहले क्वेश्चन और आपके उर्दू का सेकंड क्वेश्चन जिसमें अशार की तशरीह हम डिस्कस करते हैं। आपके पास तकरीबन 6 जो है वो अशार आएंगे। अब जो सर 6 अशार होंगे वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप जो है तकरीबन 4 जो है वो गजलों की अच्छे से तैयारी करें, ये 4 गजलियात की अच्छे से जो है वो तैयारी करें अशार की तशरीह के लिए, जिसमें हमारे पास नीड, दर्द, गालिब, मोमिन और जिगर। ठीक है जी, अगर आप इन 3 गजलियात की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इनकी अशार की तैयारी कर लेते हैं तो यकीनन आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे आपके हिस्सा दे के क्वेश्चन नंबर 1 में और आपके उर्दू के क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है जी, तो अच्छा इसमें बात हो रही है कि सर अशार की तशरीह आपने कहा कि सर आपके पास जो टोटल 6 आएंगी और 6 में सर हमें कोई 2 करने होंगे, तो मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूं मैं आपसे कि आपको जो अशार दिए जाएंगे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप नीर तकी मीर, नीर दर, गालिब, मोमिन और जुबेर मुरादाबादी इनके अशार की अच्छे से तैयारी कर लें। अब जैसे बोल रहे हैं नीर तकी मीर की जो फसलियात है वो 2 है, गजल नंबर 1 और गजल नंबर 2। ठीक है जी, दर्द की बड़ा 2 गजलियात हैं, गालिब की 2 गजलियात हैं, मोमिन की 1 है और जुमर मुरादाबादी की भी 1 है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अगर आप 8 गजलियात की भी अच्छे से तैयारी करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि इन तैयारियों के बाद या इनकी तैयारी के बाद आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसे शेर मिल जाएंगे जिनकी आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे या जिनकी आपने तैयारी की हुई होगी और उसमें से आपको कोई 2 करने होंगे। फिर बता रहा हूं आपको बेटा 6 अशार आपको दिए जाएंगे, 6 में से कोई आपको 2 अशार की तशरी करनी होगी। अच्छा अब बात आती है सर जो हमें अशार की तशरी करनी होगी उनका तरीकेकार क्या होगा, तो बेटा उनका तरीकेकार क्या है कि आपने सबसे पहले एमसीक्यूज करने के बाद जिसका टाइम आपको तकरीबन 30 मिनट दिया जाएगा, 30 मिनट में आपको जो है वो एमसीक्यूज करने के बाद आप हिस्सा बे का आपको पेपर मिलेगा। आपके पास हिस्सा बे का जो सबसे पहला सवाल होगा वो होगा आपके पास अशार की तशरीह, और अशार की तशरीह में आपके पास सवाल जो होंगे दिए गए अशार में से किसी 2 अशार की तशरीह करें, और 2 अशार की तशरीह के किस तरह करनी है आपको हवाले शेर और हवाले शायर के साथ। अब बात आती है सर हवाले शेर क्या होता है, शेर का तारुफ किस तरह का, हवाले शेर का तारुफ यह है कि ये शेर हमारी उर्दू की दर्सी किताब गुजारे उर्दू में मौजूद गजल नंबर 1 नीर तकी मीर की गजल से लिया गया है, ये आपने शेर का हवाला दे दिया। अच्छा हवाले का मतलब क्या होता है, ये शेर बेटा हवाले का मतलब ये होता है जो भी आप चीज को आप सामने रख रहे हैं
जो भी चीज आप बता रहे हैं आपको उसके बारे में बताना है कि ये डेट कहां से, उसकी लोकेशन कहां की है। दोबारा बोलो बेटा कि जो शेर आपके सामने आया है, तो ये शेर आपके सामने आ गया है, ये शेर आपने इसको जो टिक लगाया कि भाई ये मुझे तो ये वाला शेर मुझे आता है और मैं जो हूं वो ये वाला शेर कर रहा हूं, तो आपको इस शेर का हवाला शेर भी पता होना चाहिए कि ये शेर किसकी नजम का है या किसकी गजल का है और इसके शायर कौन है, ठीक है जी। और फिर ये जब ये चीज आपको पता चल जाएगी तो आपको फिर शायर का हवाला भी पता होना चाहिए, मतलब शायर का थोड़ा सा तारुफ भी आप लिखेंगे। अब आपको दोबारा मैं बयान करने लगा हूं हवाला शेर, ये शेर हमारी उर्दू की जर्सी किताब गुलजारे उर्दू से लिया गया है और ये मीर तकी मीर की गजल नंबर एक का शेर है, ये मीर तकी मीर की गजल का शेर है, ठीक है जी। आपने ये हवाला शेर लिख दिया। अब सेकंड है आपके पास हवाला शेर, आपको इस हवाले शेर को बहुत अच्छे से करके आपको आगे करना है। जैसे उस दिन तो मीर तकी मीर जो है वो उर्दू गजलियात के शहनशाह गजल भी जो है माने जाते हैं। आपकी जो शायरी थी, आपकी जो गजलियात में अशार थे, वो इंतहाई सादा सुहेल और आसान थे, जो पढ़ने वाले के ऊपर एक कैफियत तारीफ कर देते थे, तो जो जिससे वो कोई जो है रूखा या सूखा जो नहीं नजर आता था। आपके अशार में दुनिया की बेसुबाती, आपके अशार में दुनिया की जो है इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी और महबूब से इश्क के जो है वो अशार आपकी शायरी में या आपके गजलियात में हमें मिलते हैं। आपने छोटा सा आपने शायर का तारुफ दे दिया। अच्छा, तीसरे जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना, सॉरी तीसरी जो वहां पर हेडिंग होगी, वो हेडिंग होगी हमारे पास तस्वीर। अब आपके पास शेर मौजूद था, आपने इस वाले शेर को किस शेर को आपने जो है वो चुन लिया था उसकी तशरीह करने के लिए, आपके पास मौजूद है, आपने तशरीह की रेडिंग डाल ली है। अब आपको शेर को सुकून से पढ़ना है, आपको शेर को सुकून से पढ़ना है और सुकून से पढ़ने के बाद आपको उसकी जो है अपने अल्फाज में तशरीह करनी है। जैसे हमारे पास मीर तकी मीर का शेर है, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता, ठीक है जी। मीर तकी मीर का बेटा गजल नंबर एक का शेर है, होश जाता रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। आपको इसकी तशरीह करनी है। तो देखिए बेटा, इसमें अगर मैं तोड़ तोड़ से पढ़ूं या पहले मिसरे की तशरीह करूं, तो पहले मिसरे की तशरीह में हमें क्या चीज पता चलती है, तो इसमें बता रहे हैं कि होश जाता नहीं रहा लेकिन, मतलब मेरा होश जो है वो नहीं जाता था, मैं अपने होश में ही रहता था, अपने जो है मामला को देखता था, खुद देखता था, खुद उससे परखता था, लेकिन जब मेरा महबूब मेरे सामने आता है उस वक्त मुझे होश नहीं आता। इस तरीके से बेटा आपको अशार की तशरीह करनी होगी। पहले आप जो पहले मिसरे को सुकून से पढ़ें, अपने दिमाग में उस मिसरे को बसाएं, उस मिसरे को अपने दिमाग में समझें, अपने आप को समझाएं, उसकी तशरीह अपने आप को समझाएं, समझाने के बाद फिर सेकंड मिसरे पे आओ, फिर दोनों तशरीहों को आपस में मिलाकर आप तशरीह की जगह पर लिख दें, ठीक है जी। आपकी उम्र तशरीह, यहां पर आपका बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका टू था आपके उर्दू के पेपर का और इससे लेकर क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है। आपको टोटल कितने करने, दो अशार की तशरीह करनी है। कोई बेटा बड़ा बड़ा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, कोई दो अशार की तशरीह आपको करनी है या कोई दो शेर की तशरीह आपको करनी है, जिसमें हमारे पास शेर की तशरीह के टाइम पे हवाले शेर आपको पता होना चाहिए, हवाले शायर आपको पता होना चाहिए और आपको साथ में तशरीह करना। बेटा कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, तशरीह आप कर सकते हैं, लेकिन असल जो चीज है वो ये है, जब आपको ये पता होगा तो इंशाल्लाह आप हवाले शेर भी कर सकेंगे और हवाले शायर भी। अच्छा जी, आगे चलते हमारे जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ये अशार की जो तशरीह है आपको, इनके जो मार्क्स है बेटा, इनके मार्क्स है 10, पांच नंबर का एक शेर होगा, ये पांच नंबर का एक शेर होगा और दो शेर बने आपके 10 नंबर के, जिसमें से आपको कोई दो अशार की तशरीह बननी होगी दिए गए 6 अशार में से।
अच्छा जी, यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। अब हम जा रहे हैं इक्तबास की तशरीह की तरफ, हिस्सा बे के क्वेश्चन नंबर 2 और आपके उर्दू के पेपर 2024 इंपॉर्टेंट थे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। इंशाल्लाह आपके पास कुछ चैप्टर है जो मैं आपको बताने लगा हूं, जो आपके लिए इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह जिसमें बेटा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपको इक्तबास के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, और वो है सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत है कि आ सकता है आपका जी भी, और इसके अलावा कुछ तबई आलमगीर का इंसाफ ठीक है जी। ये बेटा बहुत चैप्टर हैं जो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह बार बार बेटा इंशाल्लाह लागू होगा इंशाल्लाह। असल में आपको पता है आपकी सेकंड ईयर की बुक जो है वो चेंज हुई है, न्यू बुक आई है ठीक है जी, और उस न्यू बुक आने के टाइम पे हमें बेटा काफी सारे मॉडल पेपर तो काफी सारे घूम रहे हैं, लेकिन किसी मॉडल पेपर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड ईयर के इक्तबास के लिए, या कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बेटा मैंने काफी सारे जो है वो चैप्टर लिख लिया, जैसे सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जामियत, कैफ़ुर रिजाल, मुश्तबई आलमगीर के इंसाफ, और एक और भी है मुशायरा। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता चलूं, इक्तबास की तशरीह हमेशा उन चैप्टर से आती है जिन चैप्टर को आप आसानी से समझ नहीं सकते। मतलब क्या है कि उसमें मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो चैप्टर की जो वर्डिंग होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए जो है उन चैप्टर का आपके पास लिया जाता है किस चीज में इंतखाब किया जाता है इक्तबास की तशरीह में। आपके पास इक्तबास की तशरीह आ गई जिसमें हमारे पास दो इक्तबास आपके सामने पढ़ रहा हूं, खुदा की मोहब्बत का अहल और उसके प्यार का मुस्तहिक बनने के लिए हर मजहब ने एक ही तदबीर बताई है, और वो ये है कि इस मजहब के शरा और तरीके के मायने ने जो उमदा नसीहतें की हैं इन पर अमल किया जाए, लेकिन इस्लाम ने इससे बेहतर तदबीर इख्तियार की है, उसने पैगंबर का अमली मुजस्मा सबके सामने रख दिया है। नंबर 2, कहत में मौत अर्जन होती है और कहते रिजाल में जिंदगी, मर्द अम्बुआ का जश्न हो तो कहद आयात बे मुसलस का मातम हो तो कहते रिजाल, एक आलिम मौत की नाहक जहमत का, दूसरा जिंदगी की नाहक मोहम्मद का, एक समा हशर का, दूसरा महज हशराज अर्ज का, जिंदगी के ताकूब में रहने वाले कहत से ज्यादा कहत रिजाल का गम खाते हैं। अच्छा इसका बेटा तीसरा भी मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ, ऐसा कम वक्त है कि जो हाथ इसे रिज देता है इसी को काट खाता है, और दोस्त दुश्मन दोनों की बराबर खाक उड़ाता है, सबक इसका यह है कि इंसानियत से खारिज हो इसलिए कुछ तबाही किए जाता है। अच्छा ये जो बेटा मेरे पास मॉडल पेपर मौजूद था इसमें हमारे पास 2-3 चैप्टर मैंने आपको बताए, एक नंबर 1 सीरत मोहम्मद मुस्तफा की जामियत जिसमें हमने पढ़ा था खुदा की मोहब्बत का अहल ठीक है जी, उसके बाद कहते अर्जा कहते रिजाल वाला चैप्टर है, उसके बाद मैंने तीसरा वाला बेटा खुश तबाही। तो कहने की बात ये थी बेटा आपके इक्तबास के चैप्टर ये है इंपॉर्टेंट, जो मैंने भी आप लोगों को बताया सीरत मोहम्मद मुस्तफा की जामियत, कहते रिजाल, खुश तबाही, आलमगीर का इंसाफ और मुशायरा। मुशायरे के बेटा इतने चांसेस नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 3 इंशाल्लाह लाजमी कर लीजिएगा, सीरत मोहम्मद मुस्तफा की जामियत, रिजाल और खुशतबई, और आप जब इनकी तैयारी करें तो आपको इनके मुसन्निफ का भी नाम पता होना चाहिए कि इनके मुसन्निफ कौन है और उन्होंने क्या क्या जो है पुरानी लिखी है।
ठीक है जी। अच्छा इसको क्या इकतमास की तशरीह करने का अंदाज भी जो है बिल्कुल अशार की तशरीह करने की तरह होता है, जिसमें मैं आपको बताता चलूं। आपको सबसे पहले हवाला है इकतबास जैसे मैडम ने यह करा था हवाला शेर, इसी तरह हवाला है इकतबास। ये इकतबास हमारी उर्दू की दर्जी किताब गुलजार उर्दू से लिया गया है और इसके सबक का नाम सीरत मोहम्मदी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत है। और जब आप चैप्टर का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखते हैं, शायर का नाम लिखते हैं, तो यकीनन इसके बड़े इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो कर दीजिएगा। हवाले इकतबास आपने कर दिया और इसके मुसन्निफ का नाम सैयद सुलेमान नदवी है। यहां तक आपने रोक देना है हवाले इकतबास को। अब इसके बाद हवाले मुसन्निफ आपको सैयद सुलेमान नदवी का थोड़ा सा आपको जो तारुफ लिखना पड़ेगा, या उनकी तारीफ लिखना मैंने भी आपको बताई थी हवाले शायर में, कि शायर की या मुसन्निफ की आप तारीफ जो है उसमें लिखेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी कौन थे, आपने जो है कौन कौन से काम किए, आपकी तहरीर कौन सी थी, आपकी तहरीर से लोगों को क्या सबक मिलता है, ये आप हवाले मुसन्निफ में लिखेंगे। और फिर हमारे पास जो तीसरी हेडिंग आती है बेटा, वो आती है तशरीह। आपको देखिए तशरीह करने का अंदाज भी बेटा मैं आपके इंशाल्लाह बता चुका हूं और दोबारा मैं आपको सामने फिर डिस्कस कर रहा हूं। तशरीह करने का अंदाज बेटा ये होता है कि आपको जो इकतबास दिया जा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इकतबास आपके पास है चैप्टर नंबर वन का इकतबास है हमारे पास सीरत मोहम्मदी सल्लम की जामियत का जमीयत का, और इसके मुसन्निफ का नाम जो है सैयद सुलेमान सुलेमानी। ठीक है जी, आपको जब ये चीजें पता चल गई उसका मतलब ये आप तैयार हैं इकतबास की तशरीह करने में। फिर बता दो बेटा इकतबास की तशरीह करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपको सुकून से पहले चैप्टर का नाम उसको इकतबास को पहचान लिया और उनकी मुसन्निफ का आपको पता चल गया, जैसे मैंने आपको शायरी में भी बताया था। जब आपको शेर का पता चल जाए, आपको शायर का पता चल जाए, तो बेटा तशरीह करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपको पहले सुकून से इकतबास को पढ़ना है, जैसे मैंने अशआर में भी कहा था आपको सुकून से आपको इकतबास को पढ़ना है और इकतबास को देखिए टुकड़े कर दीजिएगा। इकतबास के आपको टुकड़े कर देने, टुकड़े कर लिए आपने हर टुकड़े को या हर टुकड़े की तशरीह अपने दिमाग में कर ली। अपने दिमाग में जब आप तशरीह कर लें उसको अपने आप को समझा लें, तो अच्छा तशरीह करने का अंदाज क्या होता है बकायदा आपके सवाल में लिखा होता है, सादा सिलेज और बा मुहावरे अल्फाज में आपको लिखना है। तो आज इसको आसान अल्फाज में जो है वो आपको इसकी तशरीह करनी है। तो आसान अल्फाज में तशरीह क्या है आपके सामने दोबारा पढ़ लो, जरा सुनिएगा। आप ये फरमाते हैं खुदा की मोहब्बत का अहल है उसके प्यार का मुख्तिक बनने के लिए हर मदद में एक ही तदबीर बताइए। आपने इतना जो है टॉपिक इसको आपने खोल दिया, आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के तो जिस मजहब में भी जाए, जिस शख्स को अल्लाह ताला के या अपने खुदा के करीब होना है, तो उन्होंने उस अपने अल्लाह और अपने जो भी उनके खुदा है उसके करीब होने के लिए कुछ तदबीर या कुछ तरीकेकार अपना है। अब आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मजाहब है जिसमें कई किस्म की वजह में रस्मात अदा करो, तो वो समझते हैं कि रस्मात अदा करने के बाद हम जो है वो अपने खुदा के करीब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आपको इस तरह करके बताने मिसालों के साथ, मिसाल के साथ बताएंगे। मिसाल का बेटा मिसाल के साथ भी समझा सकते हैं, मुहावरे से भी समझा सकते हैं। आप मिसाल के साथ समझाएंगे, किसी की भी मिसाल दे सकते हैं और फिर आप बताएंगे। लेकिन इस्लाम ने जो तरीकेकार अपनाया है, अल्लाह ताला ने इस्लाम में जब मुसलमानों को अपने करीब करने के लिए पैगंबर अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा ताकि जो है वो मेरे बंदों को मेरी जो है वो तौहीद की तबलीग करें, रिसालत की तबलीग करें, दीन इस्लाम के बारे में बताएं, ताकि बंदे जो है वो मेरे करीब हो जाएं। ठीक है जी, इस तरह करके आप तशरीह करेंगे
और यहाँ पर अपना जो है क्वेश्चन पे यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। आज हम अपनी वीडियो को बेटा यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टू बी कंटिन्यू। अल्लाह हाफिज़।